आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर, क्लास फोर्थ का मैथ का हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जग एंड मग। जग एंड मग मतलब कि जो जग होता है एंड मग, जग एंड मग। तो इसको हम लोग करेंगे, जग एंड मग की स्टोरी को इम्प्रूव भी। हम लोगों ने क्लास थर्ड में इस जग एंड मग की स्टोरी को पढ़ा था, तो चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। बब्बू एंड बल्लू, बल्लू है जो बल्लू है वो दोनों, बन्नू एंड बन्ना सेलिब्रेट कर रहे हैं वेडिंग एनिवर्सरी। मतलब वेडिंग एनिवर्सरी जो होती है वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, वो लोग तो सेलिब्रेट हो रही है उनकी। डू यू रिमेंबर, आपको याद है द वेडिंग ऑफ बल्लू बन्नूस फैमिली लास्ट ईयर? क्या आपको याद है कि बन्नूस की जो फैमिली थी उसमें लास्ट ईयर में शादी हुई थी? जो याद हो तो आपको यस लिख देना, नहीं हो तो नहीं देगा। सी मैथमेटिक बुक, आपने जो कि मैथमेटिक की बुक में देखी थी क्लास थर्ड के पेज नंबर 156 में। बन्नू एंड बन्ना डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी ऑन द वन ईयर वेडिंग्स। उनकी एक साल हो गई थी वेडिंग्स की, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक पार्टी करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे पार्टी हो रही। देन वी इनवाइटेड फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब उन लोगों ने क्या किया, फैमिली एंड फ्रेंड्स को क्या होता है, इनवाइट किया। ओके, जो फैमिली होती है उसको भी फैमिली एंड फ्रेंड्स इनवाइटेड किया। मेक आ स्पेशल स्वीट, जो कि उसने स्पेशल जो होती है स्वीट डिश बनाई थी, खीर। ऑल द एनिमल्स कम रन, सभी एनिमल आए रन करके होल एंड एवरीबडी काउंटिंग। कोई दौड़ के आ रहा था तो कोई रुक करके आ रहा था एंड कोई घिस के आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बन्नू की जो बैड शादी में भी बहुत सारे लोग आए थे एंड वेडिंग्स में भी। मैं आपको उनकी शादी का छोटा सा टॉपिक बता देती हूँ, जो कि बन्नू एक क्या है, रैबिट जो होते हैं वो है, तो रैबिट है। तो उनकी जो वेडिंग्स थी वो हुई थी, उसमें उन्होंने एक स्पेशल ड्रिंक बनवाई थी। क्या हुई थी, स्पेशल ड्रिंक जो कि किसी 10 ग्लास पिए थे किसी ने, उनकी फैमिली में वो बहुत ही सारे लोग आए थे। ओके, चलिए। लॉन्ग लाइफ बन्नू एंड बन्नू की लॉन्ग लाइफ। ओके, द एलिफेंट, जो एलिफेंट है, द एलिफेंट ड्रिंक का 50 kg खीर। एलिफेंट है जो उस टाइम उनको क्या मिली थी, एक एक ग्लास मिला था, और जिस टाइम उनको वेडिंग्स में उसने 50 kg क्या ली है, 50 kg ने क्या ली है, खीर ली है। जिराफ ने कितने लोगी, 50 1/2 एंड 30 उसने ली होगी आराम से। डोलची तो सेम लग रही है दोनों की, तो हम सेम भी नहीं रख सकते। यू हैव टू राइट हेयर, आपको यहाँ पर लिख देना है 50 kg। ओके, चलिए चलते हैं और देखते हैं काऊ ने कितना लिया होगा। काऊ की और ही छोटी हो रही है, तो इसने लिया होगा 10 kg। ओके, ही हैव टू स्केलर, मतलब कि गिलहरी स्केलर ही से, वो कहती आई कैन नॉट ड्रिंक, मैं 1 kg की वन केजी तो मैं खीर नहीं पी पाऊँगी, प्लीज़ मोर 100 मिलीमीटर, मुझे 100
जो होती है मिनी मीटर खीर दे दो। तो ओके डोंकी डोंकी आस्क डोंकी डोंकी जो है पूछता है 100 मिलीमीटर ऑफ खीर इफ़ यू मोर देन 1 लीटर। ये तो 1 लीटर से भी ज़्यादा। फोला फॉक्स फॉक्स कहता है कम कम ऑन यहाँ आओ। डोंक डोंकी इज लायर। तुम्हें तो सभी लोग कहते थे मतलब कि डोंकी जो सभी कर कि वो जो होते हैं मैड सोचने में। तो ओके 1 लीटर 100 मिलीमीटर। हाँ 1 मीटर में कितने 100 मिलीमीटर्स होते हैं। 100 मिलीमीटर जो होते हैं वो होते हैं सो 100 मिलीमीटर 1 मीटर हाफ मतलब 500 मिलीमीटर मतलब कि हाफ जो होता है मीटर का हाफ। ओके 100 मिलीमीटर मीटर का हाफ। ओके ये जो है नेक्स्ट पेज है हमारा।